गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड मैथ्स। क्लास थर्ड मैथ्स में चैप्टर थर्ड फोर्थ रनिंग है। चैप्टर फोर्थ है मल्टीप्लाई, जिसमें अपन ने टू डिजिट थ्री डिजिट मल्टीप्लाई सॉल्व किए हैं। अब है आपके मल्टीप्लाई टू डिजिट नंबर्स, मतलब टू डिजिट की मल्टीप्लाई को टू डिजिट से मल्टीप्लाई करना, इस तरह के अब आपके एक्सरसाइज हैं। वैसे इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं, लेकिन अब और इस टाइप के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो एक्सरसाइज है 4.4 मल्टीप्लाई क्वेश्चन ए। सबसे पहले अपन करेंगे 47 मल्टीप्लाई 13। देखिए 47 मल्टीप्लाई 13, तो इसमें क्या करेंगे, पहले अपन 47 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 47 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 1 से स्टार्ट होता है आपको पता है। तो 3 के टेबल 7 टाइम काउंट करेंगे, तो 3 7 21 21 का 1 कैरी 2, फिर 3 की टेबल 4 टाइम काउंट करेंगे, 4 3 12 और 2 प्लस किया तो 14। ओके, अब क्या करेंगे, 47 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 47 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले 1's प्लेस पे 0 लगाएंगे और फिर इस पूरे डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो 1 7 7 और 1 4 4। अब क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, जो पहले 3 से और फिर 10 से मल्टीप्लाई किया है, जो नंबर आया उसको दोनों को प्लस करेंगे। 1 1 और 0 1 4 और 7 11 11 का 1 और कैरी 1 1 और 1 2 2 और 4 6। तो आंसर क्या आया, 47 मल्टीप्लाई 13 611। ओके, अब अपन नेक्स्ट करेंगे फोर्थ वाला, 24 मल्टीप्लाई 28 करेंगे। तो सबसे पहले 24 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 मल्टीप्लाई 8। ओके, तो 8 की टेबल 4 टाइम काउंट करेंगे, 8 4 जा 32 32 का 2 कैरी 3, 8 2 जा 16 और 3 प्लस किया तो 19। अब क्या करेंगे, 24 मल्टीप्लाई 20, 8 से कर दिया आप 20 है, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ रहा है, तो पहले इसको 0 लिख देंगे 1's प्लेस पे। उसके बाद 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। अब क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 2 और 0 2 9 और 8 17 17 का 7 कैरी 1 1 और 1 2 2 और 4 6। तो आंसर आया 672, 24 और 28 को मल्टीप्लाई करने पर। ओके, अब अपन करेंगे लास्ट क्वेश्चन ए का लास्ट, 32 मल्टीप्लाई 22। सबसे पहले 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 मल्टीप्लाई 2, और 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 की टेबल 2 टाइम काउंट करेंगे, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 32 को 20 से। ओके, 20 से मल्टीप्लाई करने पर 1's प्लेस पे पहले 0 लगा देंगे और फिर पूरी डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। वेरी सिंपल, अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, 4 और 0 4 6 और 4 10 10 का 0 कैरी 1 1 और 6 7। तो आंसर आया 704, किसका, 32 मल्टीप्लाई 22 करने पर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन बी। देखिए, सॉल्व इन योर नोटबुक में सॉल्व करना है आपको क्वेश्चन बी। इसमें भी मैं आपको कुछ मल्टीप्लाई सॉल्व करवाऊंगी और जो मैं नहीं करवा रही हूँ सॉल्व, वो भी आपको सॉल्व करने हैं, सेल्फ सॉल्व करने हैं। ओके, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले अपन क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे, 48 मल्टीप्लाई 38। पहले 48 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से स्टार्ट करते हैं आपको पता है, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो चाहे मल्टीप्लाई हो, 1 से स्टार्ट करते हैं। 8 8 जा 64 64 का 4 कैरी 6, 8 6 जा 8 4 जा 32 32 में 6 ऐड किया तो 38। ओके, अब क्या करेंगे, 48 मल्टीप्लाई 30
30 से मल्टीप्लाई करना मतलब ये जीरो है, वंस प्लेस पे जीरो लगा देंगे और फिर इस पूरे डिजिट को 48 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 8 जे 24, 24 का 4 कैरी 2, 3 4 जे 12 और 2 14। ओके, अब इन दोनों डिजिट्स को प्लस कर देंगे, 4 0 4, 8 और 4 12 कैरी 1, 1 और 3 4, 4 और 4 8 और 1 का 1। तो 48 मल्टीप्लाई 38 करने पर आंसर आया 1824। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे 69 मल्टीप्लाई 53, इट मीन्स सिक्स नंबर। सिक्स नंबर वाला अपन करेंगे, देखिए 69 मल्टीप्लाई 3 करेंगे पहले, 3 की टेबल 9 टाइम काउंट करेंगे, 3 9 जा 27 कैरी 2, 3 6 जा 18 और 2 प्लस किया तो 20। ओके, अब करना है 69 को 50 से मल्टीप्लाई। 50 से मल्टीप्लाई करना मतलब ये जीरो जो है वंस प्लेस वाला, वो वंस प्लेस में लगा देंगे क्योंकि इस पूरे डिजिट को जीरो से मल्टीप्लाई करना है तो जीरो आएगा। फिर इस पूरे डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 के टेबल 9 टाइम काउंट करेंगे तो होगा 5 9 जा 45, 45 का 5 और कैरी 4। अब 5 6 जा 30 और 4 प्लस किया तो 34। ओके, अब इन दोनों डिजिट्स को ऐड कर देंगे, 7 और 0 7, 0 और 5 5, 2 और 4 6 और 3 का 3। ओके, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये आंसर आया 3657। ओके, अब थर्ड नंबर पे अपन करेंगे 49 मल्टीप्लाई 34, इसमें 10 नंबर, 1 अपन ने सॉल्व किया, 6 सॉल्व किया, अब 10 नंबर सॉल्व करेंगे। बाकी जो मैं नहीं सॉल्व करवा रही हूँ वो भी आपको सॉल्व करने हैं, सेल्फ सॉल्व करने हैं। ओके, मैंने आइडिया बता दिया इस तरह से करने हैं, बाकी आप सब बहुत सारी प्रैक्टिस करवाई है मैंने इस टाइप के मल्टीप्लाई की। 49 मल्टीप्लाई 34, इट मीन्स पहले 49 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9 जा 36, 36 का 6 कैरी 3, 4 4 जा 16 और 3 प्लस किया तो 19। ओके, अब 49 मल्टीप्लाई 30, वंस प्लेस पे 0 आ जाएगा क्योंकि इस पूरे डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई किया है। ओके, और फिर 3 9 जा 27 कैरी 2, 3 4 जा 12 और 2 प्लस किया तो 14। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 6 0 6 9 और 7 16 कैरी 1, 1 और 1 2, 2 और 4 6 और 1 का 1। तो 49 मल्टीप्लाई 34 पे करने पर आंसर आया 1666। अब अपन सॉल्व करेंगे 58 मल्टीप्लाई 54। ओके, 58 मल्टीप्लाई 54 करेंगे तो पहले तो 58 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 8 जा 32 कैरी 3, 4 5 जा 20 और 3 प्लस किया तो 23। ओके, अब 58 को 50 से मल्टीप्लाई करना है, 58 मल्टीप्लाई 50, इट मीन्स पहले वंस प्लेस पे 0 लगा देंगे, फिर 5 8 जा 40, 40 का 0 कैरी 4, 5 5 जा 25 और 4 प्लस किया तो 29। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 और 0 2, 3 और 0 3, 2 और 9 11, 11 का 1 कैरी 1, 1 और 2 3। अब आंसर आया है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 3132। तो ये आपकी एक्सरसाइज 4.4 थी और ये दोनों ही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ए और बी आपको नोटबुक में सॉल्व करने हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।